गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग हिंदी कृतिका में कमलेश्वर की लिखी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं इस कहानी का आगे का भाग। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक कलर को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों का के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। कलर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइल सब कुछ हजम कर चुकी है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, पर चीज इस देश के गर्व में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। थैंक यू।